टीकमगढ़ में किसान कानून के विरोध को लेकर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। शहर के गांधी चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा पारित किया गया किसान कानून के विरोध को लेकर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए इस कानून की आलोचना करने के साथ ही केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पेट्रोल डीजल के दामों में की गई वृद्धि को लेकर पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह बुंदेला ने भारतीय जनता पार्टी को निशाना साधते हुए इस कानून का जमकर विरोध किया। धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। टीकमगढ़ से विकास राय के साथ रियाजुद्दीन खान की रिपोर्ट। छोटे छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया जाएगा और इसके बाद ये अपने मनमाने रेट पर 1400-1200 ये पूरा बर्बाद कर देंगे। इस रेट पर माल खरीदेंगे किसान का कि उसका लागत मूल नहीं निकलेगा। एक साल तक अंबानी ने देश की जनता को फ्री में वाउचर दिए, उसको आदि किया और एक साल के अंदर देश में जितनी भी कंपनी चल रही थी सारी बर्बाद हो गई, बंद हो गई। जब ये कंपनी बंद हो गई तो जियो ने अपने रेट बढ़ाना शुरू कर दिए। भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी भारत सरकार और उसका समर्थन कर रही राज्य सरकारें निरंतर किसानों के ऊपर अत्याचार कर रही हैं। पूरा दिल्ली जो है लगभग एक महीने से जाम है, चारों तरफ से आवागमन बंद है, लेकिन भारत की सरकार को किसानों की समस्याएं सुनने की फुर्सत नहीं है। ये सरकार जो है केवल झूठ पर टिकी है, केवल झूठ बोल के देश को बरगला रही हो, चाहे GST का मसला हो, चाहे जो है FDI का मसला हो, चाहे नोटबंदी का मसला हो, जितने भी अभी तक उनने कानून बनाए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी के समय कहा था हमें केवल 45 दिन का समय आपसे चाहिए, 45 दिन के बाद हम देश को जो है बढ़िया ऐसा देश बना देंगे कि देश में कोई कमी नहीं रह जाएगी। लेकिन अब कहते हैं कि नोटबंदी हमारा, उन्हीं की पार्टी के लोग कहते हैं कि नोटबंदी भारत सरकार का सबसे बेकार काम था। जब FDI आ रही थी देश में, कांग्रेस के समय में केवल 48% FDI थी, 52% सरकार के पास निवेश था, तब इन लोगों ने पूरे देश में जो है हाय तोबा मचा दी थी। लेकिन अब ये 100% FDI ला रहे हैं, 100% जो है विदेशी कंपनियों का निवेश कर रहे हैं, बड़ी बड़ी जो नौरतन कंपनियां नेहरू जी ने बनाई थी उनको बेचने का कार्यक्रम चल रहा है और उनको बेच बेच के देश चलाने का काम है। और खरीदार केवल दो हैं, अडानी और अंबानी, इसके अलावा तीसरा व्यक्ति नहीं खरीद रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये देश को बेचने का एक षड्यंत्र है और देश में जहाँ बेरोजगारी की समस्या है, देश में भुखमरी की समस्या है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं और बाकी सांप्रदायिक बातों के ऊपर ध्यान दे के देश को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में जो वर्तमान में किसान कानून आए हैं, कृषि बिल आए हैं, वो किसान विरोधी हैं। पूरे देश का किसान चिल्ला रहा है, पंजाब और हरियाणा के किसानों ने तो आम हड़ताल कर दी है, दिल्ली के किसान शामिल हैं, UP के किसान शामिल हैं, लेकिन सरकार अपनी जिद पे अड़ी हुई है। सरकार का कहना यह है कि हमने जो कर दिया, मतलब पहली ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो ये कह रही है, किसान कह रहे हैं कि हमें आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है, और सरकार कह रही नहीं हमें तो आपकी मदद करनी है, मतलब जबरदस्ती जो है उनकी मदद करने पर उतारू ये सरकार। और सबसे बड़ी बात यह है कि केवल एक मुख्य मांग है किसानों की कि उसको वो MSP से जोड़ दें। जब तक आप सपोर्ट प्राइस नहीं देंगे तब तक किसान किसी भी हालत में सरसब्ज हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात यह है कि अडानी ग्रुप ने, अभी आपने नीलामी की प्रक्रिया शुरू नहीं करी है, बंडियाँ ख़त्म नहीं करी हैं, और अडानी ग्रुप ने आज मद्रास में, बंगलोर में, हैदराबाद में जो पोर्ट, जहाँ पे पोर्ट की सुविधा है, समुद्र आसपास है, वहाँ पे इनके लाखों मैट्रिक टन के गोडाउन बन के तैयार हो गए हैं। मतलब इन्हें तो पहले साल भर पहले ही से ये पता था कि ये पॉलिसी बनने वाली है। जबकि सरकार कोई नियम बनाती है तो जिस दिन तक वो बनता नहीं है, लागू नहीं होता। और शपथ भी हम लोग इसी बात की लेते हैं कि संसूचित या संज्ञान में कोई बात आएगी तो उसे जब तक वो कानून का रूप नहीं लेगा तब तक हम प्रकट नहीं करेंगे।
लेकिन अडानी अंबानी को ये पहले से पता है कि ये ऐसी पॉलिसी आने वाली है और उन्हें अपने गोडाउन बनाना शुरू कर दिए है। तो मैं समझता हूँ कि MSP के बिना अगर किसानों के हित में कोई कानून बन रहा है तो वो किसानों के हित में नहीं है, इसीलिए किसान आंदोलित हैं। दूसरी बात कॉन्ट्रैक्ट खेती की बात है, कॉन्ट्रैक्ट खेती में केवल किसानों की ज़मीनें बिकना है, जब वो प्राइवेट के यहाँ गाने रखेंगे तो उन ज़मीनों को बेचने का मतलब उनकी नीलामी होगी, वो कर्जदार बनेंगे और ये दोनों कानून किसानों के हित में नहीं है। आज हम देख रहे थे सुबह से कि राव वीरेन सिंह जो उनकी भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर रहे अभी पिछले कार्यकाल तक, आज से उनने जो है किसानों को अपना आंदोलन किसान संगठनों को समर्थन देना शुरू कर दिया है। इसलिए जितने लोग कृषि विशेषज्ञ हैं, कृषि के जानकार हैं, वो सारे के सारे इस कानून के विरोध में हैं और उसी कारण से उनके किसानों को समर्थन देने के लिए आज हम लोग धरने पर बैठे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।